तू गाइस यार, आज तो मैं इतने दिनों बाद बैट बॉल खेल रहा था और बैट बॉल खेल रहा था तो चॉप को पता नहीं क्या हुआ यार, मेरी बॉल यार मेरे पड़ोसी के घर में फेंक दी। अबे चॉप, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे यार, मैंने सही में जानबूझ के नहीं किया, वो मेरे से गलती से चली गई। तो गाइस यार कोई बात नहीं, अब तो जाके लेना ही पड़ेगा। अरे अंकल कोई है? हाँ बच्चे बोलो, यहाँ पे आटी चल रही है, माताओं डिस्टर्ब करने के लिए भाग आते हैं। अरे अंकल यहाँ पे बॉल आई होगी, आप लोगों ने तो पक्का देखा ही होगा यार, यहीं पे आई थी। अरे तेरे को बोला समझ नहीं आता, निकल यहाँ से, पार्टी बर्बाद कर रहा है। अरे मारो इसको यार, ये पार्टी बर्बाद कर रहा है मेरी। अरे यार मार क्यों रहे हो, मैं तो बॉल ही लेने आया हूँ ना। और अरे यार तो मेरे घर में बॉल तूने क्यों फेंकी? अरे ये लो, मार भी क्यों रहा है? अरे अभी बताता हूँ, ये लो मेरी बॉल गई है और आप मेरे को यार ये लो। अबे भाई पागल है क्या तू? अभी तेरे को बताता हूँ, रुक। अरे यार अभी मैं बॉडी बनाने लग गया हूँ, समझे क्या? मेरे से पावर। गाइस यार लगता है बॉल यहाँ नहीं है और है भी तो पानी में चली गई। और यार इतना ज्यादा ढूंढने का टाइम है नहीं यार, जल्दी से चल चॉप यहाँ से चलते हैं वरना लोग हमें मारेंगे। और यार रुक, तुझे बताता हूँ, अभी मेरे लोग आएंगे तब तुझे बताएंगे। अरे यार इनको तो पता भी नहीं है मैं कहाँ रहता हूँ, इन अंकल को मैंने पहली बार देखा था यार चॉप, और मैं डायरेक्ट अपने घर आ गया तो रास्ता तो इनको पता ही नहीं चलेगा। अबे चॉप तू किधर गया? और यार जिधर से आया था उधर। अरे यार गाइस चॉप तो पागल ही हो गया है, उधर से क्यों आ रहा है? और यार मैं थोड़ी ना जंप ले पाता हूँ इतनी अच्छी। गाइस यार हमारे गैराज का गेट खुला है यार, ऐसे क्यों? चलो जाके देखता हूँ। अरे यार इतनी ज्यादा गंदी गाड़ी है चॉप, इधर आ देख। और यार मैंने देखा था, सुबह ही देखा था। अरे यार तो तूने फेंकी पे को बताया नहीं क्या? और तू ऐसा कर गाड़ी को बाहर निकाल दे पहले। हाँ यार ये बात भी बिल्कुल सही बोल रहा है, वरना फेंकी पे आएंगे फिर बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे यार। बिल्कुल सही बोलता है चॉप कभी कभी। अरे यार वो तो मेरी आदत है यार। अरे बस बस, ज्यादा तारीफ कर दिया मैंने तेरी। अरे फेंकी भैया, अरे यार यहाँ पे तो आएंगे ही नहीं फेंकी भैया, अंदर कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। अबे चल चॉप, बुला के लाना फेंकी भैया का तू। अरे नहीं यार मैं जाऊंगा तो मेरी बात में विश्वास नहीं करेंगे, चल मेरे साथ तू भी। अरे यार पता नहीं तेरे पे कोई भरोसा क्यों नहीं करता है, मेरे पे तो भरोसा कर लेंगे। फेंकी भैया, फेंकी भैया, फेंकी भैया सुनो, फेंकी भैया। अरे फेंकी भैया कहाँ गए? तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अब फेंकी भैया देखते हैं मेरी बात मानते हैं कि नहीं। अरे यार क्या कर रहे हो यार? अबे भाई सब घर की सफाई कर रहा हूँ, पता है ना त्योहार आ रहे हैं। अरे हाँ यार दिवाली आ रहा है फेंकी भैया, वो तो मुझे पता है। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे को काम तो करने थे सिंचन। अरे यार काम तो कर लो, लेकिन यार आप घर के साथ साथ गाड़ी को भी तो साफ रखो, गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी है, जल्दी से चलो यार उसको साफ कर लो फेंकी भैया। अबे हाँ भाई, कई दिनों से सोच रहा था गाड़ी को वॉशिंग सेंटर लेके जाऊं, जहाँ पे सही से एक बार साफ करवा दूंगा गाड़ी, लेकिन यार टाइम नहीं मिल रहा था। सही हुआ तूने सही टाइम पे याद दिला दिया यार, थैंक यू सिंचन। अरे थैंक यू यार, आज सुबह सुबह उठा ना तो इसलिए मैंने सोचा। अबे चॉप बता दूं क्या पड़ोसी वाला किस्सा? अरे बता दो यार। अरे फेंकी भैया एक पड़ोसी मुझे मार रहा था तो मैंने भी उसको मार के आ गया, ठीक है? अबे यार तू लड़ाई क्यों करता रहता भाई, हरदम दिमाग खराब करता। अबे मेरी गाड़ी इतनी ज्यादा गंदी है, मेरे को पता भी नहीं था भाई सिंचन। अरे यार बैठो बैठो। अरे फेंकी भैया पहले उसने मारा था, चाहे तो गाइस से मैं कमेंट में करवा दूंगा, गाइस कमेंट करके बता दो कि पहले किसने मारा था, मैंने थोड़ी ना मारा था, उन्हीं ने मारा था। चल ठीक है, मुझे पता है हरदम तेरी गलती होती है, लेकिन तू यार तेरे गाइस है ना हरदम तेरा साथ दे देते हैं। अबे चॉप कहाँ गया यार, हम दोनों तो यहीं पे हैं। और यार मैं नीचे से घूमते हुए आ रहा था, मुझे लगा मेरा खाना रखा होगा तो थोड़ा खा के आऊंगा। अच्छा बुक्कर सर जल्दी आ जा, वरना मैं जा रहा हूँ, ठीक है बाय। अरे नहीं नहीं रुको, दो मिनट रुक जाओ यार। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आखिर में फेंकी भैया मान ही गए। अबे भाई कहाँ गए? अबे यार इतना जल्दी, धीरे धीरे कैसे चलता भाई, तेरे तेज तो सिंचन चल लेता है। अरे यार माफ करो माफ करो, अब जल्दी से चलो, अब मैं कहीं भी लेट नहीं करूंगा। अच्छा अब जल्दी बैठेगा तभी तो लेट नहीं करेगा भाई। अरे यार फेंकी भैया जल्दी से गाड़ी को भगाओ। तो यार गाड़ी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, लेकिन गाइस आप फेंकी भैया ने बहुत ज्यादा गंदी भी कर दी है गाड़ी, पता नहीं कैसे यार। अबे भाई यार मैं ना पिछले रात पता नहीं कहाँ गया था, रात अंधेरी में पता नहीं चल रहा था कहाँ पे गाड़ी में चला रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं यार, 100-200 रुपए लगेंगे, साफ सफाई तुरंत करवा लूँ गाड़ी की। वैसे गाड़ी काफी मस्त लग रही है सिंचन, थोड़ी सी साफ हो जाएगी ना, इतनी कैडी लगेगी, इतनी मस्त लगेगी, क्या ही बताओ, देखा क्या पावर है गाड़ी में। अरे बहुत ज्यादा पावर फेंकी भैया, और ये गाड़ी कितनी प्यारी लगती है, येलो कलर की, बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है फेंकी भैया। सही कह रहा है, तेरे जैसी छोटी सी बोनी सी यार। अरे यार क्या बात बोल रहे हो, आपकी जैसी नूबड़ी नहीं है क्या? अबे भाई तेरे जैसे बोट भी तो है, देख रहा है क्या मस्त चल रही है बोट। अरे तुम दोनों शांत रहोगे या मैं भी उतरूं? अबे नहीं नहीं भाई चुपचाप बैठा रहे, तू उधर जाए तो गाड़ी नहीं चल पाएगी हमारी तो। अरे यार चलो चलो। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं कार वॉशिंग सेंटर में,
और अगली वाली दुकान ये रही। अबे चौप तू उतरेगा, अंदर ले जाओ सीधा। अरे मैं भी नहा लूंगा, चलो चलो। वाओ यार अब तो बहुत मजा आएगा नहाने में। अबे चुपचाप रहियो, मुंह बंद कर लिया, मुंह में शैम्पू डाल देंगे ये लोग तेरे, ठीक है? अरे नहीं कोई बात नहीं, जाने दो, आज तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलो चलो भाई, पानी गिराओ मेरे ऊपर। भाई साहब इतना भूखड़ा है, शैम्पू भी खा जाएगा, ये ले पहले पानी। अरे बहुत मजा आ रहा है। अरे यार मेरे को भी बाहर आना चाहिए था यार, चौप तू अकेले अकेले मस्ती कर रहे हैं। अरे गुदगुदी हो रही है यार मेरे को। अबे भाई साफ कर रहे हैं तेरे को, गुदगुदी नहीं कर रहे, गाड़ी को भी साफ कर देंगे। अरे यार बहुत ज्यादा गुदगुदी रही है, चलो चलो हो गया वरना तो गाइस लास्ट बार एक बार पानी डाल ले अपने ऊपर। बहुत मजा आ रहा है मेरे को तो। अरे यार तेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, मुझे भी ऊपर ही आना चाहिए यार, फालतू में। यार क्या चमका दी गाड़ी भाई साहब, दो बार तो पानी मारा है इसके अंदर और पूरी गाड़ी शानदार निकल गई भाई। और शानदार चौप भी निकल गया। अब फेंकी भैया जल्दी से चलाओ गाड़ी को। अरे ये किधर जाने फेंकी भैया, इधर या इधर? अबे भाई लेफ्ट साइड में जाना है, हमारा घर इस साइड में पड़ेगा अब तो। यार आराम से चलाओ, लगता है जान मेरे बात सुनो टकले भाई, तुम गाड़ी को चोरी नहीं कर पाओगे तो मुझे बता दो, ठीक है? मैं कोई दूसरा बंदा ढूंढ लूंगा। अरे फेंकी भैया देखो देखो, ये गाड़ी चोरी करने की बात कर रहे हैं। अरे बच्चे ऐसे बात मत बोलो, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, ठीक है ना? अरे सर मैं गाड़ी चोरी कर लूंगा, मेरे पे भरोसा रखो, एक मौका और दो यार। अरे नहीं भाई, अगली बार आर्मी वाले पकड़ेंगे तो भाई बहुत मारेंगे, तुम पहले बता दो तुम गाड़ी चोरी कर सकते हो या नहीं। अरे सर नहीं नहीं नहीं, आर्मी वालों से तो बहुत ज्यादा डर लगता है मेरे को। अबे भाई सब सिंचन देख यार, वो आर्मी से कोई गाड़ी चुरा रहे हैं, हम वो काम कर देंगे तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे शायद। फेंकी पे सुनो ना, क्या बात कर रहे हैं वो लोग। चल ठीक है, शांत बैठा रहे। अरे यार मैं, चलो तुम ये काम मत करो यार, किसी और से करवा लूंगा मैं। अरे यार तुम कौन हो, तुम करोगी क्या काम? अबे भाई साहब मैं ही काम करूंगा। ओए ये काम मैं करूंगा, तुम्हारे बस की नहीं है, ठीक है ना? अरे यार तुमने तो पहले कोशिश किया ना, लेकिन तुमसे हुआ नहीं है। ठीक है ठीक है, आखिर में तुम नहीं चाहते ना तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे इन लोगों से जाओ, मैं किसी और को रख लूंगा, मैं इसी बच्चे को रख लूंगा काम पे। ओए मेरी गाड़ी के ऊपर कैसे चढ़ रहा भाई तू? ओए ओए बताऊं क्या तेरे को, आज मेरा दिन बहुत खराब जा रहा है, मैं मार दूंगा सबको। ओए भाई साहब मैं कर लूंगा, करना क्या ये तो बताओ। मैं बोल रहा था आर्मी के पास एक बढ़िया गाड़ियां आई हैं, उसको चुराना है और मेरे को देना है भाई, जितना पैसा मांगेगा उतना पैसा दूंगा भाई। अरे यार पक्का पक्का ये काम हम कर लेंगे, तो पहले चलो यार आर्मी कैंप दिखाओ हमें, कहाँ पे है और कैसे है। भाई पहले सोच लो, बहुत कुटाई होगी याद रखना। अरे कुछ भी नहीं होगी। अबे भाई साहब मैं तो कर लूंगा, ये बताओ आर्मी कैंप से कौन सी गाड़ी चुरानी है ये तो बता सकते हो? हाँ हाँ बता सकता हूँ, अभी लेटेस्ट में गाड़ी आई होगी जिसके ऊपर एक बंदूक लगा होगा और काफी लंबी बंदूक होगी भाई, वही गाड़ी चुरानी है। अरे ठीक है हम चोरी कर लेंगे, टेंशन मत लो अंकल। अच्छा मैं भी चोरी कर लूंगा, मतलब हम दोनों मिलकर चोरी कर लेंगे, ये बताओ पैसे कितना दोगे? अरे भाई जितना पैसा तुम मांगो उतना पैसा मिलेगा। बस 500 करोड़ चाहिए, दोगे क्या? हाँ 500 करोड़ भी दे दूंगा बच्चे, लेकिन गाड़ी मुझे चाहिए। तो गाइस यार अभी तो हम लोग इतना आगे आ गए हैं, अरे पुलिस की गाड़ी मेरा चेहरा देख रही है। डर क्यों रहा है भाई साहब, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। अरे यार फेंकी भैया कहाँ से जा रहे हो उधर? अबे भाई हम सामने से जाएंगे तो हमें पता, उन्हें पता लग जाएगा। अबे यार ले सिंचन, गाड़ी धुलवा के लाए तो और यहाँ पे गंदी करने वापस आ गए यार। अरे कोई बात नहीं यार यहाँ पे। अरे आराम से। अरे यार अबे थोड़ा सा। अरे भाई तुम पागल वागल तो नहीं हो, रास्ते से चलना आते हैं। अबे भाई पागल हो गए, वो सामने से आर्मी वाले देख लेते गाड़ी को आते हुए, जब ही मार देते हम लोगों को। अरे यार गाड़ी तो गंदी होगी, लेकिन भाई बोला भाई तुम पे तो बहुत दिमाग है, क्या नाम है तुम्हारा? अरे यार मेरा नाम है सिंचन। अब मेरा नाम है फ्रैंकलिन और ऊपर वाले का नाम है चौप द कुत्ता, वो भी मेरा। कुत्ता कुत्ता नहीं हूँ मैं सिर्फ चौप हूँ, पहले बोल दे रहा हूँ मुझे। अरे यार तुम लोग लड़ाई मत करो, ये देखो सामने है आर्मी कैंप और इसके अंदर कैसे घुसना है तुम लोग देख लो, और गाड़ी तो मुझे चाहिए भाई। अरे फेंकी भाई ये आर्मी कैंप है, ये पूरा नया देश है यार। अबे भाई साहब इसके अंदर तो लग रहा है पूरा देश ही बसा रखा भाई रे, इसके अंदर जाएंगे कैसे, इतने बड़े बड़े जाले भी लगा रखे और लगता है इनके अंदर बिजली भी है। अबे बिजली भी भाई साफ साफ लिखा है। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो गई। अरे यार सही बोला। अरे यार तुम क्या गोल गोल घुमा रहे हो गाड़ी को, तुम ये बताओ चोरी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अरे फेंकी भाई इस गड्ढे में रोको यार, यहाँ पे देखते हैं कैसा सिस्टम है। अरे भाई साहब चोरी तो कर लूंगा, पहले प्लान तुम लाना पड़ेगा ना, अंदर कैसे जाए और क्या करना है क्या नहीं करना। तुम तो बोल रहे हो सीधा हलवा है चोरी। अबे नीचे बैठ जाओ, आर्मी वाले आ रहे हैं भाई। अरे यार मेरी हाइट तो छोटी ही है, क्या बोलते हैं देखो यार ट्रक से आ रहे हैं। मुझे पता है आर्मी वाला आ रहा है, अभी तो मैं गड्ढे में छुप गया हूँ। तुम भी नीचे बैठ जाओ, ज्यादा मत हिलाओ वरना तो तुम टपके जाओगे।
अबे भाई साहब मैं तो समझ चुका हूँ वो टकला आदमी क्यों मना कर रहा था। इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है, ट्रक पे ट्रक घूम रहे, आर्मी की ट्रक घूम रही है और वो तो मुझे तुरंत ही उड़ा देंगे यार। अरे बिल्कुल सही बोले फेंगी भैया, एक आइडिया है मेरे पास। करने वाला भाई, अरे यार तुमने तो बोला मैं कर दूंगा। अरे फेंगी भैया मेरे पास एक आइडिया है यार। अरे यार जितना पैसा मांगेगा उतना पैसा दूंगा, तो ठीक है पैसे को दुगना कर दो तब मैं काम करूंगा। अरे ठीक है यार चलो अब तो कर लो। अच्छा ठीक है अब मैं कुछ प्लान बना सकता हूँ। सिंचन एक काम करते हैं, पहले गाड़ी को साइड में लेते हैं, उनको पता चल गया ना यहाँ पे कोई गाड़ी घूम रही है रोड के आसपास, जब ही बहुत मारेंगे हम लोगों को तो वो। अरे एक काम करो ना, गाड़ी से जाके बोलो कि हम यहाँ पे डिलीवरी का काम करते हैं। अबे भाई यार तू पागल है क्या, आर्मी के अंदर कौन डिलीवरी का काम करता है, वो लोग तुरंत मारेंगे हम लोग को पकड़ पकड़ के। बिल्कुल सही बोला, जो भी सामान आता है आर्मी में वो सारा प्लेन से आता है, वो भी हवा से आता है, समझ गई क्या? अरे यार मुझे नहीं पता था। अरे फेंगी मेरे पास एक आइडिया है। बोल बोल क्या आइडिया है तेरे पास? अरे मैच चौप ऐसे जाएंगे और बोलेंगे कि हमारी फुटबॉल चली गई, हम लोग प्लेन से आ रहे थे ना तो हमारी फुटबॉल गिर गई थी, समझे? तो और नॉनसेंस की बातें बोल रहे हैं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता ठीक है। ऐसा बोलना कि हम यहीं बास में खेल रहे थे और हमारी बॉल अंदर चलेगी पैर से मार के। अरे ठीक है अरे चौप आ जाना। अरे आ रहा हूँ यार, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है यार। अरे तू डरता क्यों है, मैं हूँ ना। अरे डुइंग डुइंग डुइंग, मैं तो सीधे से आया हूँ, मैं कहीं भी नहीं गया था। अरे हेलो हेलो अंकल, बाहर निकल लो यहाँ से, तुम्हें पता नहीं बच्चे यहाँ आना मना है सख्त। अरे अंकल क्या बताऊँ, मेरी बॉल अंदर चली गई, मेरे को बॉल ला के दो। अरे यार तुम यहाँ से चले जाओ, सख्त मना है। अच्छा ठीक है मत रहो, तुम बताओ क्या हुआ। अरे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी बॉल चली गई थी अंकल, समझा? ठीक है जाके ले लो, जल्दी आओ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ ठीक है। अरे यार ज्यादा अंदर गई थी यार, बहुत टाइम लगेगा लाने में। अरे लेकिन जो लेकिन का कहीं उधर उधर मत जाना। चलो ठीक है अबे चुप आ जा। अरे ये भी जाएगा क्या बच्चे? अरे हाँ मैं भी जाऊंगा। अरे आजा चुप आ जा, ये अपने एरिया है यार। अरे यार लेकिन जल्दी आना 5 मिनट में, वरना देखो तुम्हारी खैर नहीं ठीक है ना। अरे यार अब तो ये ढूंढ नहीं पाएंगे इतने बड़े आर्मी बेस में, मैंने एक सीक्रेट जगह ढूंढ लिया है और वो सीक्रेट जगह है ये पेड़ के पास, यहाँ पे कोई भी आर्मी वाला मुझे नहीं ढूंढेगा। गाइस यार अभी तो यहाँ पे आसपास कोई भी आर्मी वाला नहीं है, चौप जल्दी से आ मेरे पास और फेंगी भाई को यहीं से चिल्ला के बुलाता हूँ। अरे फेंगी भाई जल्दी आओ, सब कुछ ठीक है, जल्दी से आओ, अकेले आना यार, उसको नूबड़े को मत लेके आना। तो चौप जल्दी से आ, हम लोग छुप जाते हैं। अरे बिल्कुल सही बोला यार, छुप जाते हैं वरना। तो गाइस इधर मुझे सिंचन की आवाज आ गई है और उसने बोला कि जल्दी आ जाओ फ्रैंकलिन भैया, लेकिन मैं अंदर क्या करने जाऊंगा। अबे भाई साहब एक आइडिया आ गया मेरे पास, अंदर जाके बोलूंगा वो दो बच्चे गए ना वो मेरे भाई थे और वो अंदर चले गए। अरे यार फ्रैंकलिन मैं नहीं जाऊंगा यार, तुम ही जाओ। अबे भाई साहब ठीक है मैं ही जा रहा हूँ, तुम जाओगे तो और फंसाए दोगे। अरे ठीक है मैं यहीं इंतजार करता हूँ, लेकिन यार वो गाड़ी लेके आ जाना, मेरे को बहुत प्यारी लग रही थी वो गाड़ी। अच्छा ठीक है जा रहा हूँ। अबे भाई साहब गाड़ी यहाँ पे आर्मी में खड़ा है पी। अरे भाई साहब गेट खोल दो भाई चले गए मेरे अंदर। अरे यार तुम्हें समझ नहीं आता कि यहाँ पे आना मना है। अच्छा लेकिन एक बात बता, वो जो अंदर दो बच्चे गए थे ना वो मेरे भाई थे और वो नादानी से अंदर चले गए। अरे ठीक है एक काम करो, गाड़ी को आगे लेके आओ, मैं गाड़ी के अंदर देखूंगा कोई अंदर तो छुपा नहीं है ना। अच्छा ठीक है ये देखो अब तो खोल दो। अरे पहले रुक जाओ यार, पहले देख रहे दो अंदर। खोल तो दो अब। अरे ठीक है जाओ गाड़ी को लेके। अबे मुझे क्यों रोक दिया भाई? अच्छा सॉरी सर। अरे ठीक है जाओ लेकिन जल्दी आओ ना। अच्छा तो गाय इधर फटाक से मेरे को मिल गया मंजूरी। हम लोग यहाँ पे है। अबे भाई साहब आवाज कहाँ से आ रही है सिंचन की? अबे सिंचन कहाँ पे छुप गया तू? अरे यार इधर देखो मैं यहाँ पे हूँ। अरे यार ये दिखा नहीं क्या? तो गाय इधर ये देखो सिंचन यहाँ पे छुपा है। वेरी गुड सिंचन, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अबे चुप तू भी यहीं पे छुपा है क्या? चलाओ चलो ना, चलना नहीं है क्या, यहीं रहना है क्या तुमको? अरे यार चलना है रास्ते से मत चलो वरना आर्मी वाले देख लेंगे। ओहो गाइस इधर सही बोल रहा है ये बात, तो हमें कोई ऐसा देख लेगा तो पहचान जाएगा। एक काम करते हैं पहले पार्किंग के अंदर से चलते हैं और हमारी पीली वाली गाड़ी को यहीं छोड़ रखा है भाई, वरना तो यार वो लोग जान जाएंगे ना तो बहुत परेशानी हो जाएगी हमको। अरे बिल्कुल सही बोला फेंगी पे, बहुत ज्यादा नहीं बहुत परेशानी होगी आर्मी वाले बहुत। वेट पागल है क्या, इतना तेज मत बोल वरना कोई सुन लेगा। अरे ठीक है फेंगी भैया। अरे फेंगी भैया कर ऐसे काम करो, एक गाड़ी ले लेते हैं आर्मी वाली और उसमें बैठ के चलते हैं। चल ठीक है ये बात भी सही बोल रहा है, फिर इनको शक भी नहीं होगा, उनको लगेगा कोई यूनिक बंदा बैठा है। अरे यार इसमें ही बैठो फेंगी भैया,
चल ठीक है बैठ जा फटाक से। लेकिन पेंगी भाई इसका छत खुला है यार, कोई मान लो ऊंची गाड़ी से देख लेगा तो पकड़े जाएंगे यार। अबे हाँ भाई, इसको तो अंदर दिख रहा है साफ साफ और शीशे से भी आर पार दिख रहा है और चौप भी दिख जाएगा जब छत में बैठेगा। अबे इसमें नहीं बैठते, इस ट्रक में बैठते हैं, बड़े वाले में जल्दी आ जाओ। अरे यार ये बात बिल्कुल सही बोला, ट्रक में बैठ जाते हैं हम लोग। अरे यार बिल्कुल सही बोला, चलो चलो बैठते हैं यार, क्या ट्रक लग रही है पेंगी भैया। अबे भाई यार एक बात बता सिंचन, आर्मी वाले पकड़ लेंगे ना भाई, इतनी गंदी तरह मारेंगे ना, कभी चोरी करना भूल जाएंगे हम। अरे यार चौप तू तो अंदर भी बैठ गया, फटाफट चलते हैं गाइस यार। अरे यार बिल्कुल सही बोला, चलो फेंकी भी आज तो दिखते हैं यार गाड़ी चुरा ले बस। लेकिन वो गाड़ी कैसी होगी यार जो हमें इतने पैसे दे रहा है? पता नहीं भाई कैसी गाड़ी है, वो आदमी पागल ही लगता है मेरे को। अरे फेंकी भी वो पागल तो लगता ही है यार। अबे कहाँ घुसे भाई, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। अबे चल उस सामने से यार टैंक आ रहा है, उड़ा देगा, एक बार साइड हो जाता हूँ भाई, गुस्सा हो गया ना तुरंत उड़ा देगा हम लोगों को यार सिंचन। अरे यार कोई बात नहीं, उसको जाने दो शांति से, उसको हम पे शक नहीं होगा यार, उसको चला गया सीधे चला गया, वो गाड़ियाँ भी उधर जा रही है। चलो चलो आराम से चलो फेंकी भाई, ज्यादा हरकत मत करना। चल ठीक है सीधे चलते हैं, लेकिन यार ढूंढना तो पड़ेगा। ओ कैसे चला रहे हो गाड़ी, ठोक दियो। अरे अरे सर हम नए हैं अभी। अरे पेंगी भाई देखे मैंने आवाज बदल के बोल दिया उनको, उनको लगा कि मैं उन्हीं के यहाँ काम करता हूँ। चल ठीक है। ओहो भाई साहब कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे, और यहाँ पे बम बारूद सब कुछ रखा है। लेकिन वो गाड़ी कहाँ पे होगी जिसे वो चाहिए भाई वो बंदे को? अबे प्लेन भी है यहाँ तो, हेलीकॉप्टर भी है। अबे भाई यार क्या क्या है यहाँ पे सिंचन, मेरे तो दिमाग घूम गया यार। उनने बताया था कि उस गाड़ी के ऊपर लंबी सी बंदूक है यार, यही बताया था मैंने तो, यही सुनी। अबे यार प्लेन भी ठोक दी मैंने तो। अबे यार किसी ने देखा ना हो बस। अरे नहीं देखा है फेंकी भैया, देखा होता तो यार अभी तक आपको पीट दिया होता यार। चलो चलो चलते हैं कहाँ पे। अरे फेंकी भैया यहाँ पे दिख गई मेरे को वो गाड़ी यार। अबे यार यहाँ तो प्लेन है, तुझे कहाँ दिख? अबे गाड़ी दिख गई भाई ये री। अरे अंदर कहाँ आ रहे हो? अरे भाई साहब यहाँ पे मेरे को बोला गया है बम लेके आना है, ट्रक पे लोड करके जाके पूछ लो बेशक। अरे एक बार इधर आओ, तुम्हारा लिस्ट में तो नाम है ही नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है पोई पोई। अच्छा पोई पोई, चोई चोई है इसमें? अरे एक बार कंफर्म करके आओ सर, यहीं पे खड़ा हूँ मैं। अरे ठीक है रुको यार, पोई पोई कब आ गया? चलो मैं जल्दी से देख के आता हूँ, और यहीं रहना ठीक है। तो गाइस यार इसको तो फेंकी भाई ने पागल बना दिया। अरे फेंकी भाई वो इतना अबे यार यही वाली गाड़ी लग रही है, काफी खतरनाक लग रही है, उसने बोला था ऊपर एक बंदूक होगी, यही वाली है गाड़ी सिंचन जल्दी बैठ। अबे चुप तुझे बैठना नहीं है क्या, हम लोग जाएं क्या? अरे बैठ तो गया, अब कितने बार बैठूं? वाओ यार क्या गाड़ी है। अरे फेंकी भाई देखो ये लंबी वाली बंदूक सही में बहुत तगड़ी है यार। अबे यार अंदर बैठ चुका हूँ मैं और सिंचन और सारे के सारे, लेकिन यार शक ना हो जाए किसी को, फटाक से पहले निकलते हैं और बोलते टेस्ट ड्राइव के लिए निकले। अरे हट जाओ भाई, सारे के सारे टेस्ट ड्राइव के लिए निकली है गाड़ी। अरे फेंकी भाई कोई नहीं मानेगा यार, पुलिस पक्का पीछे पड़ेगी हमारे। सही बोल रहे, लेकिन बस हमें दिक्कत आएगी गेट से निकलने में, अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी सिंचन हम लोगों को। अरे यार ये बात तो बिल्कुल सही बोला आपने यार, हमारी प्यारी गाड़ी तो यहीं रह जाएगी, आर्मी वाले उसको पकड़ लेंगे यार। अबे जब आर्मी वाले हमें पकड़ेंगे तो वो बंदा हमारी गाड़ी लेके आ जाएगा, दिमाग कैसा लगाया हमने सोचा? अरे यार ये बात तो बिल्कुल सही बोला। ओड़े यार तुम गाड़ी लेके कैसे आ गए, तुम पागल हो गए हो? अरे फेंकी भैया मैं आया हूँ अंकल, इधर देखो। अरे हम लाए हैं ये गाड़ी। लेकिन तुम तो दूसरी गाड़ी लेके गए थे ना, आर्मी वाली गाड़ी कैसे लेके आए हो? अरे सर क्या बताओ, मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी। अरे तुम पागल बना रहे हो मेरे को, ऐसा कुछ नहीं होता, जाओ अपनी गाड़ी लेके आओ। अरे सर मैं क्या बताऊँ, मैं चोर हूँ, भाग सिंचन यहाँ से। अरे फेंकी भाई भागो भागो जल्दी से भागो यार। अरे यार गाड़ी रुको तो। अरे रुको अभी बुलाता हूँ हाई कमांड सिक्योरिटी को, अभी सर आ जाओ सर, ये गाड़ी चुरा रहा है, फटाक से आओ। अबे जल्दी बैठो सिंचन। अबे यार जल्दी से बैठ जा सिंचन। अरे मैं बैठ गया यार, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अरे पीछे गाड़ी आई फेंकी, अरे यार गाड़ी। अबे भाई साहब यार, अरे भाई साहब तुम्हें बैठना है कि नहीं? अरे मैं तुम्हें नहीं जानता यार, तुम कौन हो? तुम्हारे पीछे तो आर्मी लगी, भाग जाओ यहाँ से। अबे यार इसे तो धोखा दे रहे सिंचन, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। धोखा नहीं दिया यार, अगर हम लोगों को पकड़ लेते तो उसको भी पकड़ लेते यार, बहुत सही बंदा है वो हमारी गाड़ी लेके आ जाएगा, टेंशन मत करो। चल ठीक है। अबे यार अब क्या करें यहाँ से, अभी तो आगे रास्ता भी नहीं बचा, एक काम करता हूँ पानी से ही चलता हूँ यार। अरे बिल्कुल सही बोले यार, पानी से ही चलो, ठीक है ना फेंगी भैया? और यार पानी से चलो आराम से। अरे यार भाई सब कुछ भी दिक्कत नहीं गाड़ी को, तो देख वो लोग तो वहीं रह गए, फटाक से निकल जाते हैं यहाँ से, हमें टाइम मिल गया काफी ज्यादा। अरे बिल्कुल सही बोला यार, वो लोग बहुत ज्यादा घूम के आएंगे, अब आराम से चलो यार, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी फेंगी भैया ज्यादा। चल ठीक है। अबे भाई साहब अभी तो दिक्कत ही दिक्कत है, सामने से भी देख घेर रखा हम लोगों को।
ओए ओए रुक जाओ, अरे रुक जाओ रुक जाओ। अब सिंचन क्या करे यार, हम तो फंस गए यार, मुझे नहीं पता था कुछ इतना ज्यादा होने वाला। अबे गाड़ी भी ब्लास्ट हो गई यार, पता नहीं कैसे, मैंने तो कुछ भी नहीं किया सिंचन, तूने कुछ दबाया तो नहीं ना यार। अरे मैंने भी नहीं किया कुछ, ऐसे कर फेंगे पे यहीं पे रुक जाओ यार, कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे। अबे क्यों नहीं आएगा पागल है क्या, निकलना पड़ेगा यहाँ से, देख ले पीछे गाड़ी वाड़ी घूम रही है। अरे यार चलो चलो फेंगे भैया जल्दी से चलो, अभी तो बहुत टाइम हो गया था, हम लोग तो यहीं रुके थे यार, लेकिन कोई अरे ऊपर ही गाड़ी की सायरन की आवाज आ रही थी यार। अबे यार आज हर जगह से घेर रखा है सिंचन, क्या करें यार अब तो समझ। अबे देख सामने से भी गाड़ी आ रही है यार, दिख रहा है तेरे को? अरे फेंगे भैया बहुत मजा आ रहा है मेरे को तो। अरे आ जाओ पुलिस वाले अंकल, सब पकड़ के दिखाओ हमें। भाई तू पिटवाना चाहता है क्या, ऐसी बोलते मैं गाड़ी रोक देता हूँ, इनके साथ चल लेते हैं, बहुत मारेंगे वो हमें। अरे फेंगे भैया ऐसा करो, इनको ठोको यार। अबे यार मेरे सही में दिमाग खराब कर रखा है इन लोगों ने, गाड़ी पे चढ़ा दूंगा, हट जाओ यार, क्यों खामखा चोरी करने दो ना मेरे को आराम से। अरे फेंगे भैया कितनी ज्यादा पावरफुल गाड़ी है यार, इस गाड़ी को तो कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसमें कोई भी ठोको या इससे किसी को भी ठोको यार। अबे हाँ भाई वैसे तो सही बोल रहा है, लेकिन यार ठोकने में लगा तो पूरा दिन लग जाएगा, चल यार फटाक से भगाता हूँ यार। अरे बिल्कुल सही बोला यार, और यार यहाँ से तो हमारा घर काफी ज्यादा दूर है फेंगे भैया, बहुत टाइम लगेगा यार आज तो। भाई साहब सायरन हट जाओ वरना किसी को भी ठोक दूंगा। अबे हट जाओ यार, कितने बार कह दिया है मैं। अरे यार शाम हो गई है और उनकी गाड़ी भी मैं ले आया, क्योंकि यार आर्मी वाला जब उसको पकड़ रहता है मुझे पता चल गया गाड़ी उसके अंदर है, तो गाड़ी तो मैं उसके लिए आऊँ, लेकिन वो कब आएगा यहाँ इंतजार करता हूँ। लो यार। अरे फेंगे भैया आखिर में हमने ये गाड़ी चुराई ली, आर्मी वाले को भी पता नहीं चला हम लोग कहाँ आ गए यार। अबे भाई सब तेरा भाई पानी के अंदर जाके छुप गया था, तूने देखा नहीं क्या? अरे मैंने देखा था यार, मेरे तो मुंह में पानी भी आ गया था, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हमने गाड़ी चुरा ली। तो गाइस इधर आर्मी को भी यार धोखा दे दिया हम लोगों ने और यहाँ से गाड़ी चुरा ली। अरे यार आराम से फेंक दे। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आज तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार। अबे भाई सब गाड़ी पलटते पलटते रहेगी सिंचन। अरे बिल्कुल सही बोला फेंक दे, लेकिन क्या पलटेगी ये गाड़ी? अबे गाड़ी आ गई। अबे भाई साहब मेरी गाड़ी मेरे घर पे कैसे आ रहा है यार, मैं तुम्हारा इंतजार जब से कर रहा हूँ, तुम कहाँ थे? अबे भाई साहब क्या बताऊँ, आर्मी को धोखा देने में बहुत टाइम लग गया, ठीक है ना? अरे ठीक है मैं जा रहा हूँ। अरे यार मेरे पैसे दो, ऐसे कहाँ जा रहे हो? अरे फेंगे भैया रुको, रुको। अरे मेरी बात तो सुनो बच्चे, इतना घबराओ मत, तुम्हारे पैसे मैं रख दूंगा, चिंता ना करो, बाय। अरे यार इन्हें बोला रख दूंगा, अरे क्या अंकल अबे, अबे मेरे को पागल बना गया भाई ये सब। अरे भाई पागल नहीं बना है, अपना घर चेक करो, मैंने पैसे रख दिए हैं बाय। अबे भाई गाड़ी तो काफी तगड़ी है। अरे फेंगे भैया इन्हें बोला घर चेक करो। अबे भाई ये बंदा मेरे हाथ में आ गया तो बहुत पिटेगा। अबे घर चेक करो, उसने बोला एक बार गैराज चेक करो। अबे अरे फेंगे भैया ये तो 1000 करोड़ से भी ज्यादा लग रहा है। वाह यार, तो गाइस आज कितना ज्यादा मजा आ गया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत खुशी हो रही है फेंगे भैया मेरे को। अबे भाई तेरे ज्यादा खुशी तो मेरे को हो रही है, सारे कर्मों के फल मिल गए, इतने पैसे मिल गए। अबे यार चलते हैं फटाक से नहाने के लिए।